क्यों राजा नल भूख प्यास से व्याकुल था और अपनी भूख मिटाने के लिए अपने तन के वस्त्र तार के तीतरों के ऊपर डाल देता है। वह तीतर उस धोती को लेकर उड़ जाते हैं। आधी रात के समय अपनी रानी की सोई हुई की साड़ी काटता है एक बात के द्वारा, क्या करने लगा बता। लिया कया के सेठ जी सोतले विचार दे फादे से नुकसान तेरा, ना तो दस गुंडा ने बुलवा के दबा दू सामान तेरा। लाला जी था डर गया, धोती में पिशाब कर दिया, हाथ जोड़ कर कहने लगा, करानी साहब बोलिए क्या बात है कि जब शाम को राजा भर्तृहरि तो आपने एक ही बात कहनी है क्या कि जो आपका विक्रमा है वो मेरी पुत्र वधु से गलत संबंध रखता है। जब सेठ जी ने इतनी बात सुनी, एक बार भगवान का नहीं लिखा, एक बार रानी पिंगला का नहीं और एक बार विक्रम का नहीं, नुमला लिया सेठ ने सोच तेरा सिर दोष धरावेगी और विक्रम साधे भोले ने बिन खोट मरावेगी। देखी वीर घनी दुनिया में ऐसी मिली लुगाई ना, क्यों देवर ने मरवा होया बात समझ में आई ना, और रोक टूक मांगने वाली दया रांड के पाई ना, नुबला चंदा बरगी सूरत पर गिरड़ा फिरवाओगी और विक्रम साधे भोले ने बिन खोट मरावगी। नुबली का लाला जी सोच ले, ना तो तेरा जन बच्चा को लुम पिटवा दूंगी। जब इतनी बात सुनी लाला जी ने तो कुणबे का नहीं देखा, विक्रम का नहीं देखा, ठीक से महारानी जो कवसन है वो ये बात कहूंगा। शाम को जब राजा भर्तृहरि आए तो लाला जी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भर्तृहरि कहने लगे, रे लाला जी क्या बात है, लाला जी आपके रात में अनर्थ हो रहा है, किस बात का।
जो आपका छोटा भाई विक्रमा है वो मेरी पुत्र वधु से गलत संबंध रखता है। सज्जनों जी इतनी बात सुनी राजा भर्तृहरि ने जल्लादों को उसी टाइम ऑर्डर दे दिया कि जाकर विक्रमा को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो। जब जल्लाद उस विक्रमा दौर गए और वो संदेश सुनाया तो नुकर लगा बेशक मार लियो ए पर मेरे भाई का जरूर मिलूंगा। रानी पिंगला खड़ी, नगर सेठ खड़ा और गद्दी के ऊपर भर्तरी बैठे हुए। नुमला भाई के बात है, मेरे से बात मत ना करे। नुमला इस वीर के कारण और तू मेरे को मरवाओ है। नुबला पिंगला भाभी हो पिंगला भाभी के कहने से भाई मन मत मरवावे। हम भाइयों को बार बार धन्यवाद देते हैं। पड़ जा
मुसलमाना युवा क्लब की ओर से 100 रुपए इस पार्टी के नाम से देते हैं, उनको बार बार धन्यवाद दिया जाता है। Oh,
नौटंकी के बाग में पहुंच जाता है और जब मालन का बाग का दरवाजा खटखटा तो मालन भाजी दौड़ी आई, रे कौन है परदेशी? नुक कहन लगी, तू कहां से आया है, किस लिए आया यहां? फुलसिंह कहने लगा, मालन में रात रात तेरे बाग में रुकना चाहता हूं, अगर तेरी इजाजत हो तो रात भर मुझे यहां रोक ले, सुबह मैं उठ के चला जाऊंगा। नुक्कड़ लागी, रे परदेशी बहुत आए, मेरी खाट तोड़ गए, मेरी जुत्ती लत्ती ठा ले गए, तू कितनी अच्छी गवाही देता है, लेकिन मैं इस तरह के मुसाफिरों को नहीं रोक सकती। और मालन उसको क्या कहने लगी, बता हाथ जोड़कर यह प्रार्थना है कि बाबा धोनी वाले का प्रोग्राम है, ठीक है, रंग काट है, जिसको आता हो गाओ, जिसको नहीं आता हो ना गाओ, प्रेम से सुनो, कतिनू देख लो, कशी से मुंह किसका दिखे से, बात किसमें की, वह हीरे एक हफ्ते का नाम लेकर रांझे से और वादा करके आती है, कह रांझे एक हफ्ते बाद तेरे से मैं जरूर मिलूंगी। सदनों बताते हैं डोड़ा उठ लिया रांझा अपने डहर में,
और जब वो डेर आया और डोले में वह हीरे बैठी थी, उसको रांझा याद आया और कारो से एक बात के द्वारा न्यूकन लगी, तेरे ठहरिए कहार के डोले ने थाम ले, बीच में गिर के दे लिए बोलते ने साठ सुबारी गाड़ी को करा दी भैया प्रेम से। अरे दूसरी बात, ये हमारा प्रेम का रोड़ा है भाई, किसी द्वेष नहीं, ये टेप रिकॉर्ड है ना, या फिजिकल वेरिफिकेशन है, ये काउंटिंग है, दिमाग में जब श्रोता सुनेगा तो गिन के दे लिए बोलते ने साठ सुबारी गाड़ी। अरे ठहर जा डोला डाट का हार के डोले ने थाम ले, अरे फिर रंगे वो तो सह को निकते जुगाड़ है। अभी देखो मैंने क्या उठा और मैं कैसे कहूंगा, रे बाग जन्नना होता है, कैसे उतराव होता है, ये पंडित लक्ष्मी चंद की वाणी है, उसकी कविताई है, कैसे बताया दूसरी बात में। देखिए हम के देखिए हम
ये न्यू आनी भरिया करते न गणेश बोरी आदमी न्यू आनी भरिया करते क्यों करा भरिया करे देखिए पेट छटके हाँ भरिया करे से पेट छटके हाँ भरिया करे से ये चीज पराई ये थाने वाले उन भी आज पढ़ाई देखे सतगुरु जी पे जाने लिया करे नित उठ के पुने दाने किया करे मान लूट ले
Oh,
अभी छुट्टी आया मन भोजन माया करती थी। एक दिन उस फूल सिंह ने इतना गजब का हार बनाया और उस मालन को दे दिया कि जा नौटंकी ताई हार दे दिए। वहां मालन नौटंकी के पास जाती है और जब नौटंकी ने उस हार को देखा तम दानो भाई को भैंस आकर हो गई अपने मर्द ने जब की जब पहचान लिया करे नू कर लगी के मालन साची बता दियो हार किसने बना से नुमली मन ने बना से नू बली का तू साची बता दे यार किसने मना सके मन मना से। इब नौटंकी का बड़ा गुस्सा आया बांदी ने कहला कोरड़ा दिए बांदी ने कोरड़ा दिया और नौटंकी ने पांच सात मालन के कोरड़े मारे हाथ जोड़ लिए मालन ने। नू कहने लगी मेरा भाणजा बहु आ रही से उसने हार बना से कतर कतरी भाणजा बहु उन्हें बुला लीजिए। इब मालन नून तो फंस गई क्यों भाणजा बहु की जगह तो भाणजू देखिया किसने लाओ बोल गए वापिस आ गई। हर फूल सिंह बैठा जब उदास चेहरा देखा मालन का नर मालन के बात है नुबली और सखिया के मां करवा दी मेरी नीची नार तले ने और मैं मरवा दी आप बता ली अपनी जान गले ने। नर मालन के बात का तो तरके बेरा पटाया जी मरता मैं तो जुना ना बनेगा। नुबला मालन मेरे तो यो काम ना और मैं साला तेरी मेरी जराम दी थी। नुबली भाई नहीं ठहरे करना फिर साजा ठहर जा बटे हुआ हार जा गरे मेरे दादा प्राण कसाई भाई मार जागरे I'm not afraid.
पे भाई
के ले जाता है तो उस रांझे को पता चला भाई तेरी तो हीर जाली। कहां पहुंच जाता है? जहां से वो डोली गुजर रही थी, और जाके उस डोले के आगे पसर जाता है रांझा, और एक बात के द्वारा हीरे को क्या कहता है? नो बोला रे हीरे जाने वाली, हीरे जाने वाली रुक जाइए जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा। आज
आज दिन धोरे मैं हीरे तू तारे परिणल पर जन धोरे सुनी ओरे तोरे मैं सुनी ओरे तोरे मैं सर मैये है तू निभाइए जरा